सभी को नमस्कार जोहार। आज आप देख सकते हैं सेवा पखवाड़ा जो माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे 15 दिन हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं कलाकृति आर्ट फाउंडेशन में जहां पे वोकल फॉर लोकल इस विषय पे हम लोग आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे साथ रांची महानगर से राजू सिंह जी हैं, डोरंडा मंडल से जयमसी तिग्गा जी और रिंकू तामंग जी रांची महानगर से हैं। और आज जो आप देख सकते हैं काम, कलाकृति आर्ट फाउंडेशन लगभग 21 वर्षों से कला के क्षेत्र में बच्चों को विकास कर रही है। अंडर प्रिविलेज बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दे करके और झारखंड की पारंपरिक कला को विश्व के पटल पर ला रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इन बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स रांची के प्रतिष्ठित होटलों में बिकती है और भारत के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बिकती है। और मैं इस माध्यम से चाहूँगा कि इन बच्चों की पेंटिंग्स पूरे विश्व में अपना स्थान बनाएं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ पेंटिंग्स। आप सब देख सकते हैं ये पेंटिंग झारखंड की पारंपरिक पेंटिंग है, जैसे सोहराय पेंटिंग है, वैद्यनाथ पेंटिंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये देवघर की पेंटिंग है, एक चित्रकला शैली है, जादू पटिया है, बहुत सारे आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, पट्ट चित्र है। और सभी बच्चे और कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के द्वारा ये इनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है इन सब कार्यों के लिए। और ये पेंटिंग इन्हें एक रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। और मैं चाहूँगा जितने भी आप गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे एक झारखंड की खुशबू, झारखंड की परंपरा पूरे विश्व में फैलेगी। और जो भी इस पेंटिंग्स को परचेज करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं कुछ बच्चों से बात कराना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ लगभग 5-6 साल से निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं और आज उनकी पेंटिंग्स देश विदेश में बिक रही है। आरती, क्या बना रहे हैं आप, थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। जादू पटिया पेंटिंग बना रहे हैं, वेरी गुड। और ऋचा, आप क्या बना रहे हैं? जादू पटिया पेंटिंग, बहुत सुंदर। ईशा, आप क्या बना रहे हैं? सोहराय पेंटिंग बना रहे हैं, बहुत सुंदर, एक से एक बढ़ के पेंटिंग। अमीशा, आप क्या बना रहे हैं, इधर देख लीजिए, बहुत सुंदर। और हमारे बीच रांची महानगर की पूरी टीम आई हुई है और डोरंडा मंडल से भी पूरी टीम आई हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम में हम पेंटिंग्स उपलब्ध करा रहे हैं और इनको एक मंच दे रहे हैं जहां से ये अपनी पेंटिंग्स को आगे लेके जा सके। आज पिछले 17 तारीख से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर ने मोदी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में सारे मंडलों में कार्य कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज ये डोंडा मंडल में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत ये पेंटिंग का कार्य हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री धनंजय जी के द्वारा इन सभी बच्चों को पेंटिंग के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हम सभी लोग इस पेंटिंग को देख करके काफ़ी अभिभूत हैं, इतने सुंदर पेंटिंग हमारे ज़िले में होता है, जिस पेंटिंग को सारे 5-स्टार होटल के लोग यहाँ से खरीद के इनसे ले जाते हैं, कई रेलवे स्टेशनों में इनका फ़ोटो लगा हुआ रहता है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद हमें काफ़ी खुशियाँ महसूस हो रही है। इस वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सभी बच्चे अपने घरों में इस कार्य को भी करते हैं और इसका सेंटर कई वर्षों से हमारे धनंजय जी के नेतृत्व में डोरंडा क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कई बच्चे 4-5 वर्षों से यहाँ कार्य में लगे हुए हैं। और ये जो अद्भुत पेंटिंग आप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से विश्व स्तरीय पेंटिंग है, इसे हम लोग देख करके काफ़ी खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के मन की बात में भी इस कार्य को हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अनेकों कार्यों से अपने कार्यकर्ताओं को और आम जनों तक अपने कार्यों को जोड़ने का कार्य करती है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत में इस समय यहाँ पर कलाकृति पेंटिंग क्लासेस यहाँ पर जो आए हुए हैं हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, सुराज पेंटिंग हमारे बीच में है और झारखंड की बहुत जितने भी है यहाँ पर पेंटिंग होती है वो सारे पेंटिंग्स हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं विशेष को धन्यवाद देना चाहूँगा कलाकृति सेंटर के यहाँ के डायरेक्टर को जो हम यहाँ पर आने का हम लोग को मौका दिए और ये झारखंड की कलाकृति सिखाई जाती है और सारे बच्चों को लगभग निःशुल्क यहाँ शिक्षा दिया जाता है। मैं विशेष करके मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा कि ऐसा मौका मिला है और ये पेंटिंग्स जो है झारखंड सिर्फ ना केवल झारखंड में लेकिन साथ ही साथ हमारे देश विदेश में भी इस कलाकृतियों को यहाँ से दिया जाता है और काफ़ी डिमांड है। मैं जरूर चाहूँगा कि आज झारखंड की इस संस्कृति को और भी बढ़ावा मिला दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। मैं इतनी अपने वाणी को बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सभी बच्चों को मेरा प्यार और हमारे रांची महानगर जिला के उपाध्यक्ष और हमारे डोरंडा मंडल के प्रभारी राजीव भैया को मेरा अभिनंदन और साथ ही धनंजय जी को भी मेरा अभिनंदन है और डोरंडा मंडल के उपाध्यक्ष जयमती जी को भी और निर्भय जी को भी मेरा अभिनंदन। आज हम लोगों को ये मौका मिल गया लोकल टू वोकल की तरफ से कि हम लोग यहाँ पे आके धनंजय भैया की यहाँ पे आपका कलाकृति आर्ट ऑफ कलाकृति में आके जैसे कि बहुत सी पेंटिंग्स रहती है हम लोगों को उसका नाम भी पता नहीं होता है लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है कि पेंटिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट का नाम रहता है। जैसे कि ये पेंटिंग का नाम क्या बताया बताओ आप ये जादू पट्टिया है तो इसमें नेचुरल कलर जो होता है यूज होता है तो बहुत खास है ये सब। तो ये सब हम लोग को जानकारी नहीं था लेकिन ये सब देखने के बाद लगता है कि हम लोग को भी ड्राइंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसे भी धनंजय भैया यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क सिखाते भी है और बच्चों को हमेशा प्रमोट भी करते हैं कि आपको ऐसा करना है ये करना है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आती रहती हूँ। तो धनंजय भैया का तो ऐसे भी सब जगह डोंडा क्या सारे रांची में इनका नाम है कलाकृति का नाम है और आगे भी मुझे लगता है कि धनंजय भैया के द्वारा से सभी बच्चों को ऐसी अच्छी अच्छी पेंटिंग सिखाया जाएगा।